अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी अनीशा। सबसे पहले वेलकम हो गया मेरे चैनल पे। तो आज मैंने कहा कि मेरा छत पे जाके ब्लॉग बनाया जाए, है मतलब कि एक ही जगह ब्लॉग बना के थक गई ना मैं। तो ये हमारी छत है। आपको मैंने कहा था ना, हमारे ऊपर वाला जो सेक्शन है वो हमेशा लॉक रहता है, उस पर कोई नहीं जाता। एज यू कैन सी, पहला सांस चढ़ गया, बुरी हो गई हूँ मैं अभी तो। मैं जवान स्कूल वाली चेयर पर याद है, ऐसी होती थी। अच्छा तो कैसे हैं सब लोग, तो कैसे हैं सब लोग। अच्छा यार, तो आज मैंने मटन कढ़ाई बनाई है। आज मैंने आप लोगों को रेसिपी नहीं उसकी शेयर की, क्योंकि ज्यादातर लोग रेसिपी में इंटरेस्टेड ही नहीं हो रहे। मैंने कहा मैं अभी अपना टाइम वेस्ट करती हूँ रेसिपी करके, तो मैंने कहा थोड़ा सा मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा ना, फिर रेसिपियाँ वगैरह भी डालना स्टार्ट कर दूंगी। और वैसे भी मैंने आपको चिकन कढ़ाई की भी रेसिपी दी थी, बीफ कढ़ाई की, अब मटन कढ़ाई की भी। तुम लोग घर बनता ही मटन कढ़ाई है। एक्चुअली जो बाकी खाने बनते हैं ना, वो तो हमारा कुक भी बना लेता है, लेकिन जो ये वाले खाने होते हैं ना, फिर आपको पता ही एक्सपेंसिव होते हैं। और अब ये तो ईद का गोश्त था, तो इस तरह के खाने ना फिर मेरी अम्मा और मेरे घर वाले कहते हैं आंटी आप बना दो, इसमें बहुत मजे का बनाती हूँ। मेरी बहनें भी अच्छा बनाती हैं, पर वो बहुत ही कामचोर हैं। ये वीडियो देखने के बाद उन्होंने मुझे गालियां देनी है, बहुत ही कामचोर है कसम से। मेरी बहनें कोई काम ही नहीं करती, वेली बैठी रहती है सारा दिन, मतलब मैं भी कोई काम नहीं करती। पर ये देखो मैं खाना तो बनाती हूँ, उनको देखा था कभी तुम लोगों ने खाना बनाते, मुझे देख दो ना, मतलब मैं ही बनाती हूँ। अब मेरी बहन ने कहना भाई दो दिन हुए ना तुझे कुकिंग करते हुए, उन्होंने अपना नाम ले लिया। भाई क्यों, सही बात है, मैं ही कुकिंग करती हूँ। अच्छा यार, आज मैं आप लोगों को मैं बहुत दुख दुख भरी कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कि मेरे साथ हुआ। मतलब कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ हुआ ये। एक मिनट यार, मैंने मटन कढ़ाई रखी थी चूल्हे पे, उसको कहती चूल्हा बंद कर दो, ठीक है। तो मेरे साथ हुआ इतना बुरा ये कि मैंने ना, मेरे ना सब्सक्राइबर आपको पता ही है बढ़ नहीं रहे, अब मैंने सब्सक्राइबर भी अनहाइड कर दिया, आप देख सकते हो 318 मेरे ख्याल से हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम थे, तो मैंने ना एक ऑनलाइन किसी बंदे को बोला, मतलब कि इंस्टाग्राम पे देखा, उसने मुझे मैसेज भेजा कि आपको ना ऑनलाइन मतलब कि ना सब्सक्राइबर्स चाहिए हो ना, या फॉलोअर्स इंस्टा के या टिकटॉक के, तो आपने मुझे बताने हैं मोनेटाइजिंग, अगर आपने पूरा यूट्यूब करना तो मैं वो कर दूंगा। तो मुझे उसने रेट्स बहुत हाई दिए। खैर हमारी बात फाइनल होगी। उसने अच्छा, तो उसने मुझे कहा कि आप ना मुझे ऐसा करो, पेमेंट ना हाफ जो है ना वो एडवांस सेंड कर दो। और पहले तो मैंने उसको नहीं, फिर यार उससे मेरी कन्वर्सेशन इतनी देर हुई थी और मुझे लग रहा था कि यार इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, एज वो स्टॉकिंग। तो मैंने कहा अच्छा सर सही है, मैंने फिर उसको हाफ पेमेंट सेंड कर दी। और मुझे उसने कहा देखना अभी आपको मैं 2 घंटे के अंदर 1000 सब्सक्राइबर कर दूंगा, बाकी फिर मैं बाद में वॉच टाइम भी कर दूंगा, तो आप मुझे बाकी पेमेंट कर देना। मैंने कहा सही है। तो 2 घंटे कल मैंने उसको पेमेंट की थी 12 बजे, और आज टाइम चेक कर लो 7 बजे हैं, अभी तक उसने मुझे एक सब्सक्राइबर भी नहीं करके दिया। और जब भी मैं उसको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो मेरे मैसेज सीन करता है, रिप्लाई नहीं करता, ऑनलाइन बैठा था। और जब उसका रिप्लाई आता तो ये होता है भाई ट्रैफिक है, बहुत ये है, मतलब कि जो किसी में जिस पैनल पे वो कर रहा है ना उसमें ट्रैफिक है, तो उसकी वजह से वो कर नहीं पा रहा। ऐसा स्कैम हुआ यार मेरे साथ। और अब मैंने फिर उसको आज मैंने तकरीबन 3-4 बजे मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो यार अगर तुमसे नहीं हो पा रहे तो कोई मसला नहीं, तुम मेरे जो पैसे है ना मुझे वापस कर दो, रिटर्न कर दो मुझे पैसे, सही है मैं किसी और से परचेज कर लूंगी या मैं बाद में करूंगी। तो वो कहता जी पैसे तो आपके पैनल में चले गए, पैसे तो आपको वापस ही नहीं होने। मतलब कितनी गलत बात है यार कि तुमने एक बंदी ने तुम पे ट्रस्ट किया। मैं आज तक वैसे मेरी ना बहुत ही गंदी आदत है यार, मैं हर किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर जाती हूँ। अब मुझसे कोई लड़की कॉन्टेक्ट करती है, अब लोग मुझे अल्लाह माफ करे इतना गंदा वर्ड कह रहे थे, इसको लड़कियों में इंटरेस्ट है। और भाई इसलिए नहीं क्योंकि लड़कों से मैं तो बात नहीं कर नहीं सकती, लड़का तो होगा कोई 6 साल लड़का जो मुझे मैसेज कर रहा है, सबको जवाब नहीं। लेकिन लड़कियां जो होती है वो 2-3 ही होती है जो मुझे मैसेज कर रही होती है, इसलिए मैं कहती हूँ। वैसे भी मैंने आपको बताया था मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, एक फ्रेंड है, उसका नाम है अनम। तो अब तुम अगर ना मेरी वीडियो देख रही हो तो पता होगा, बाकी के जो मेरी कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, तो जब मेरी कोई फ्रेंड है ही नहीं तो मैं इसलिए कहती हूँ कि चलो 2-3 लड़कियां मेरी दोस्त बन जाए तो अच्छी बात है ना। और अनम भी मेरी ऑनलाइन फ्रेंड ही बनी थी, मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी बात हुई थी, फिर वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। अलग बात है बहुत बदतमीज है, मुझसे मिलने नहीं आती है, एक दफा डेली हर बार कहती है मैं आप आऊंगी, लेकिन इतनी बदतमीज है मुझसे मिलने भी नहीं आती है। तो इसलिए ना मेरे पास बिल्कुल भी कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैं फ्रेंड बनाना चाह रही थी कि चलो कोई फ्रेंड बन जाएगी, मैं मेरा भी थोड़ा सा गपशप हो जाए करेगी उससे। लेकिन जी वो लड़कियों की जगह लड़के निकलते हैं,
पहले मुझसे बात, शुक्र है मैं अपना नंबर नहीं दे देती, वरना मांगते भी हैं आप नंबर शेयर करें, हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं। एक्चुअली मैं इतना यूज नहीं करती इंस्टाग्राम, तो पता है ना ये रिस्ट्रिक्शन सारी बताएगी, मतलब कि मुझे बिल्कुल लगेगा यार ये है ही लड़की, एंड देन मुझे सडनली पता चलेगा कि भाई ये लड़की नहीं है, ये लड़का है। मेरा हाथ थक गया यार। मैंने ना अपने लिए ना दराज से स्टैंड भी ऑर्डर किया, और वो जो होता है ना उसको स्पीकर, मुझे कह रहे थे ना आप लोग कि आपकी आवाज सही नहीं आती, आप स्पीकर यूज करो, तो मैंने अपने लिए दराज से स्पीकर भी ऑर्डर किया। मैंने आपको बताया मैं ज्यादा बाहर नहीं जा पाती, इसलिए मैं खुद ने ही परचेज किया मैंने, अदरवाइज मैं ना खुद जाके खुद परचेज करती। तो मैंने अपने लिए वो मंगवाया हुआ है, फिर जब वो 3 दिन में आना है वैसे उन्होंने कहा है, तो 3 दिन में जब वो आ जाएगा ना फिर मैं उससे उसके साथ वीडियो बनाया करूंगी, हाथ से पकड़ पकड़ के ना फोन। अच्छा तो 3 दिन के बाद मेरा वो आ जाएगा वहां से, क्या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बताए तुम लोग, हाँ माइक आ जाएगा मेरा, और वो जो सेल्फी स्टिक स्टैंड नहीं होता वो मंगवाया मैंने, कि मैं ऐसे जो हाथ करके वीडियो बनाती हूँ मैं इजीली बना लेगा। एक्चुअली भाई रोड चल रही है तो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, चलो वो अपनी बाइक साइक पे जा रहे हैं, इतना कहाँ उन्होंने रुकना है, फैमिली ही थी वैसे, सही है। तो फिर मैं जब ऐसी वीडियोस बनाया करूंगी ना फिर मेरी ज्यादा अच्छी वीडियो बना करेगी, और जब मेरे पास चीजें पूरी आ जाएंगी ना फिर मैं वीडियोस भी ज्यादा बनाया करूंगी। अभी मैं यही सोच रही होती हूँ कि यार वीडियो सही नहीं बननी, कैमरा नहीं सही आना। इंशाल्लाह मैंने आईफोन भी ले लेना है, मैंने बात कर ली है घर वालों से, वो कह रहे हैं कि जल्द आपको ले देंगे, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि मैं कितना दिल लगा के एक चीज पे मेहनत कर रही हूँ, एक चीज पे मैं कितनी दिल लगा के उसको बना रही हूँ, और हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती हूँ, तो दे जस्ट वॉन्ट टू हेल्प मी। तो उन्होंने मुझे कहा है कि वो लोग मेरी हेल्प भी करेंगे, मतलब कि मेरी फैमिली कह रही है कि दे विल बी सो कोऑपरेटिव विद मी, और वो मेरी हेल्प करेंगे और वो मुझे आईफोन लेके देंगे। हाँ ये तो जब मेरे पास आईफोन आ जाएगा ना, अच्छा जब मैंने ये फोन लिया था ना, इस फोन की स्टोरी बताती हूँ, मेरा हुआ था एक्सीडेंट, ठीक है। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा जो एक्स फोन था ना वो टूट गया था, वीवो का था वो, और मुझे वो इतना पसंद था, उसके अंदर मेरी 1.5 साल की मेमोरीज थी, पर वो टूट गया। फिर जाके मुझे ये वाला फोन मिला, तो जब मुझे ये वाला फोन मिला मैं बहुत हैप्पी थी, क्योंकि मेरा जो पहले वाला फोन था ना वो इससे बहुत ही छोटा मॉडल था, ये उस टाइम नया मोबाइल आया था, वीवो ने ये न्यू ही लॉन्च किया था, तो मुझे ये फोन बहुत पसंद था। उस वक्त मुझे आईफोन नहीं पसंद है, मुझे क्योंकि आईफोन की बैटरी बहुत लो हो जाती है, और मैं तो अपने फोन को 24 आवर्स पसंद करती हूँ, और अभी भी जब मैं आईफोन भी लूंगी ना लिटरली आई विल नेवर सेल दिस फोन, क्योंकि मुझे ये इतना पसंद है। एक तो इससे मेरी, इस फोन को मैंने नवंबर में लिया था, लास्ट नवंबर में, मतलब कि 2 साल हो गए इस फोन को, तो 2 साल से मुझे ये फोन इतना अजीज है, मेरी सारी मेमोरीज, मेरी गेम्स, मैं पहले पबजी खेलती थी यार, कोई लड़के देख रहे मतलब शर्म आ रही है मुझे, वो लड़के घूरने लग पड़े, अभी अचानक से मैंने उस तरफ देखा, मेरा ध्यान ही इधर था। तो पता है क्या, फिर मैंने ना आईफोन तब मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मैं हर वक्त फोन यूज करती हूँ, मैंने वो नहीं लिया, लेकिन तब मेरे पास ऑप्शन था ज्यादा बड़े फोन की तो नहीं, लेकिन आईफोन की थी, पता नहीं आईफोन 8 था ये कौन सा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये वाला फोन आपने लेना है तो ले देते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे वीवो, तब ये न्यू लॉन्च हुआ था और ये बड़ा अच्छा, मुझे अभी भी इसका कैमरे की पिक्चर्स का रिजल्ट, आप लोगों ने मेरी जितनी भी इंस्टाग्राम पिक्चर्स देखी मैंने सारी इस फोन से बनाई है, मैंने कभी किसी का फोन सेल्फीज के लिए नहीं यूज किया। हाँ एक दफा हम लोग मरी गए थे तो मैंने हम लोगों ने DSLR जो भी होता उसमें वीडियो बनाई थी, कैमरे में तस्वीरें बनाई थी, अदरवाइज चले गए वो लड़के, इतने खड़े हो गए ना। अच्छा गंदे वर्ड को ना आप लोग ना इग्नोर करेगा, तो इसलिए फिर मैंने यार वो फोन नहीं लिया। मुझे पसंद है मतलब कि फोन लेना, और इस पर अब मुझे शौक हो गया कि मैं ब्लॉग वगैरह जो बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू, तो आपको नजर आ जाएगा, आप देख सकते हैं पूरी रोड है। अच्छा तो अब मैं जल्दी जल्द फोन ले लूंगी, पर मुझे ये फोन बहुत ही अजीज है। अच्छा तो मेरे फोन, अब देखो इस फोन को मैं इतना यूज करती हूँ पर ये खराब भी नहीं होता। अब देखो मेरा फोन 9% है और मैं व्लॉग बना रही हूँ कितनी देर से, तो अब तब से ये चल रहा है और मेरा पूरा व्लॉग खत्म होने तक मेरा फोन बंद नहीं होता, मतलब अगर मैं इसमें एडिट भी करने लग पड़ू ना तब भी इसकी बैटरी इतनी जल्दी लो नहीं होनी, और आईफोन की तो बैटरी यूज आती है, मतलब कि आईफोन जब मैं ले लूंगी ना फिर मैं इस फोन को रख दूंगी वीडियो की एडिटिंग के लिए, और उसमें मैंने वीडियो बनाया करनी है, सही है। तो यही मेरा ख्वाहिश है, दुआ करो मेरी जल्दी से छोटी छोटी सी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं और मैं अपना आईफोन लेने में कामयाब हो जाऊं। और ऊपर बहुत गर्मी है मुझे, मतलब कि इतनी गर्मी नहीं है क्योंकि हवा भी साथ चल रही है, पर अब मुझे गर्मी लग रही है तो मैं वापस नीचे जा रही हूँ। थैंक यू सो मच, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक मुझे देख रोज करा रही है, अल्लाह तुम्हारा भला करे, भाजी जाओ यहाँ से, मतलब कि लड़की नहीं आंटी है, बाजार से गुजरी है, ऐसा देखो बाहर हो इतने मुड़के देख रहे हैं फैमिली गुजर के जा रही है, तो वो मेरी तरफ ऐसे देख रही है कि मैं बोल रही हूँ ना, तो आई थिंक सड़क तक आवाज जा रही है मेरी,
चलो सही है यार, मैंने मैंने बहुत बकबक कर ली, अब मैं चलती हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज यार वीडियो को शेयर कर दिया करो और वीडियो पूरी देख लिया करो, इतनी इंटरेस्टिंग बातें करती हूँ मैं तुम लोगों से, तुम लोग देखते ही नहीं हो। और मैं सबको लिंक शेयर करती रहा करूंगी, जिसको कोई मसला कि मैं उनको लिंक शेयर ना करूँ वो मुझे ब्लॉक कर सकते हैं। सही है, इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है anisha786, टिकटॉक की आईडी है anyofficial15, और मेरे फेसबुक की आईडी है anisha। सही है, तो मेरे एनीश वर्ड लिंक। बाय बाय। अच्छा तो मैं चलती हूँ अपनी गाँव में यार, मैं 3 दफा यही बात बोल चुकी हूँ, चलती हूँ जा मैं रही हूँ। एक्चुअली मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा, मेरे अभी फोन की बैटरी बिल्कुल बंद हो गई है, मुझे जाना ही पड़ेगा अगर मैं नहीं गई, मतलब कि बैटरी मैंने खराब भी तो नहीं करी ना, अब ये है कि 64% तक मैं फोन बैटरी यूज करूँ और उसके बाद वैसे भी मेरी वीडियो ना उठ जाए, जाना से बंद हो जाए। अभी तो 7-8% है, तो मैं अब इस आउच तेरी पैन गिरने वाली थी, मैं ये देखो इतनी बुरी तरह से मेरा पाँव गिरा यार, ये धोती बड़ी गंदी है, जब भी मैं इसको पहनती हूँ ना मैं घिरने वाली हो जाती हूँ। अच्छा चलो सही है, लाफे जब मैंने सीढ़ियाँ उतरनी मैं आराम से उतरूंगी, क्योंकि इस ज्योती के साथ मैं अगर सीढ़ियों से गिर गई तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ये होगा, गाइस मेरा एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैंने अपनी गुटांगे शांगे नहीं तुड़वानी। चलो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जिसने मेरी इतनी वीडियो देखी उसको तो बहुत ज़्यादा थैंक यू, जिसने नहीं देखी बहुत बुरे हो तुम लोग, अल्लाह पूछो तुम लोगों से।